Let us see a very interesting topic of instruments. One is ammeter. क्या है ये ammeter? और वैसे ही similar चीज आएगा voltmeter. पहले देख लेते हैं ये ammeter क्या है. क्या है? It is the instrument used to measure. क्या मेजर करने के लिए होता है ये एमीटर का दूसरा नाम है एम्पियर मीटर. तो ये क्या मेजर करता है? मेजर करेंट इन ए सर्किट. किसी एक सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर की यूज करते हैं. ठीक है, अब इस एमीटर की डिजाइन के बारे में बात करेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे. इनफैक्ट आपकी बुक में इस एमीटर और वोल्टमीटर की चीजों को दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में, बट थ्योरी फंडा यूज होता है उसका टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे. कहाँ पे? मैग्नेटिज्म. बस इतना जान लो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यानी एमीटर, एमीटर मतलब एम्पियर मीटर मतलब एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करेंट. उसमें होता क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक कॉयल होता है. ऐसा कॉइल, कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स. ये कॉइल को ऐसे दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स. यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच में इस कॉइल को सस्पेंड कर दिया जाता है. अब ये कॉइल का दो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल है. जो करंट का मेजर करना चाहते हो उस करंट को इसके अंदर से पास करते हैं. अब ये जो कॉइल है इसके ऊपर एक पॉइंटर ऐसे लगा रहता है, ये पॉइंटर इसके साथ अटैच्ड है. सोचो कि हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज द कॉइल. मान लो कि ऐसा ऐसा करके कॉइल है, इसके ऊपर एक पॉइंटर ऐसे लगा है, समझ में आ रहा. अब अगर किसी कारण से ये कॉइल ऐसे घूमेगा, ये कॉइल अगर ऐसे था इस पोजिशन से ऐसे घूमेगा तो ये पॉइंटर भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमेगा. और यहाँ पर लगा रहता है स्केल, तो यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है, ऐसे स्केल लगा रहता है. अब जो करंट को मेजर करना है उस करंट को हम इसके अंदर से जाने देते हैं. जब ये करंट इसके अंदर से जाता है, ये करंट कैरिंग कॉइल अभी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क आता है, घूमने घुमाने वाली इफेक्ट आता है. तो ये कॉइल घूमता है, जैसे घूमता है उसके साथ एसोसिएटेड ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर चलता है. ये जो घूमेगा कितना एंगल घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा टॉर्क आ रहा है. और टॉर्क कितना आ रहा है इसको घुमाने के लिए, जो टॉर्क आ रहा है द टॉर्क इज गिवन बाय बी आई एन ए. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ. आई इज द करेंट. एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल. ए हो गया एरिया ऑफ द कॉइल. ये वाला एरिया को ए कहेंगे, ये वाला एरिया, समझ में आ रहा. सो व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, दिस कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. दैट टॉर्क इज गिवन बाय बी आई एन ए. बिना याद रखना आसान है. कैसे हुआ बिना, इसका प्रूफ भी है. जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां पर इसको प्रूफ भी करेंगे बिना कैसे हुआ, प्रूफ करो करके आएगा. अभी हम जान लिए कि जो टॉर्क होगा वो बी आई एन ए होता है. बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है तो बी विल बी मोर. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस. ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल. है ना? सो ये सबको देख के पता चलता है कि जो टॉर्क होगा द टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट. जितने ज्यादा करंट देंगे उतनी ज्यादा टॉर्क आएगा और इतनी जोर से घूमेगा, जितनी जोर से घूमेगा उतनी दूर तक जाएगा. समझ में आया? बस मैं ये बताना चाहता था इस बहाने कि व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल द पॉइंटर इज रीडिंग द करंट हियर. यहाँ पर स्केल पे लिखा रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस. दिस पॉइंटर विल रोटेट एंड इंडिकेट द करंट. समझ में आया? तो इस चीज कॉल्ड कैलिब्रेटेड स्केल. मतलब जब बनाया जाता है तभी इसमें पहले 1 एम्पियर पास करेंगे, जहां पर पॉइंटर रहेगा वहां पर 1 लिखेंगे. 2 एम्पियर पास करेंगे, जहां पर पॉइंटर रहेगा वहां पर 2 लिखेंगे.
और ये स्केल यूनिफॉर्म होता है, तो उसी स्केल में ही 1, 2, 3, 4 करके हम ये स्केल को बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेटेड स्केल। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी करंट दो, पॉइंटर कहां पर रह रहा है देख के पता कर लेते हैं कि करंट कितना है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वैसे बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपके कोर्स में पीएमएमसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उसी को हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारा डिस्कशन को थोड़ा अगर हम समराइज करेंगे, तो ये एमिटर होता कैसा है? एमिटर होता ऐसा है कि देयर इज ए कॉइल, और ये कॉइल का दोनों टर्मिनल से, मान लो ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल है, और ये कॉइल को दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रखा गया है। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बाय ए वायर और बाय ए थ्रेड, ये टॉर्सन थ्रेड, इसके साथ कोई एक पॉइंटर लगा है। अब अगर इधर से हम कोई करंट पास करते हैं, ये पॉइंटर घूम के उस करंट को इसी स्केल के ऊपर इंडिकेट करता है। ठीक है, ये है कहानी। तो जो भी करंट को मेजर करना है, अगर करंट हमें मालूम नहीं है, तो उस करंट को इसके अंदर से पास करवाना है, इतना ही याद रखो। व्हेन यू अलाउ ए करंट टू पास थ्रू दिस, जितना करंट भेजोगे उसके हिसाब से रीडिंग होगा। बाकी जो बताया थोड़ा सा अबाउट कंस्ट्रक्शन था, उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। ठीक है, ओके। सो इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट। इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए, किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सोचो कि हमारे पास कोई एक सर्किट है ऐसा, चलिए मानते हैं कि छोटा सा सर्किट है ऐसा। ठीक है, इस सर्किट में पूछा गया है कि ये दिया है समथिंग लाइक 4 ओम और ये दिया है 10 वोल्ट। हमें पूछा गया व्हाट इज द करंट हियर, हमें तो आता था, क्या आपको आता है कितना करंट आ रहा है इसमें? व्हाट इज द करंट? अरे आवाज नहीं आ रहा है, इसमें करंट तो सबको आना चाहिए, कितना है? 2.5 एम्पीयर। बाकी लोग सुन रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, ये 2.5 एम्पीयर। जिन लोगों को नहीं आया बोलने कि कितना करंट जा रहा है, वो क्या करेंगे, चाहेंगे कि ये करंट को वो इसके अंदर से पास करवाए। ये करंट को इसके अंदर से पास करवाने के लिए पहले वो क्या करेंगे, ये सर्किट को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और ये करंट को ऐसे लेके ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो सेम करंट इसके अंदर से भी जाने लगा है कि नहीं? तो अगर ये करंट कितना है आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, ये करंट को इसके अंदर से पास करवाओगे और ये घूम के ऐसे आएगा और यहाँ पर रीडिंग दिखाएगा। क्या दिखाना चाहिए था रीडिंग हमें? 2.5 एम्पीयर, नहीं तो यहाँ पर दिखाएगा 2.5 एम्पीयर। तो पहला चीज तो ये हुआ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम इस सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट किए, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में, सेम करंट इज पासिंग थ्रू दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन मार्क वाला क्वेश्चन हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट। सर्किट के साथ हम इसको हरदम सीरीज में लगाते हैं। तो एमिटर को कैसे यूज करते हैं, दे यूज इट इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में यूज की, ठीक है। अब जब हम इसको सीरीज में यूज किए, थोड़ा देखो इसमें क्या हो रहा है, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ठीक है, सर्किट के साथ इसको सीरीज में यूज करते हैं। एक मिनट, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। अच्छा ठीक है, अभी देखो जैसे हम इसको कनेक्ट कर दिए, बिना कनेक्ट करने से पहले जब इसको कनेक्ट नहीं किए थे क्या करंट था, 10/4 दैट वाज 2.5 एम्पीयर। अब इसको कनेक्ट कर दिए, अब ये क्या है, ये कॉइल है विच इज मेड अप ऑफ ए वायर, वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सपोज रेजिस्टेंस इस कॉइल का है 1 ओम, सपोज कुछ तो होगा। अब क्या बता सकते हो व्हाट इज द करंट हियर इन द सर्किट, ये 10 है डिवाइडेड बाय 4 + 1 = 5, 10/5 हो गया करंट, अभी कितना हो गया 2 एम्पीयर। मतलब अभी क्या चल रहा है, करंट 2 एम्पीयर। एमिटर क्या रीडिंग दिखाएगा, 2 एम्पीयर, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली सर्किट में करंट कितना था, 2.5 एम्पीयर। उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये सीरीज में एमिटर को लगाए, लगाने के बाद एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण
जो करंट हुआ वो 2.5 की जगह 2 बन गया, क्योंकि इंटरनल स्टार्स भी एक सेल में आ गया, नहीं तो क्या हुआ, दे दीजिए एरर इन द रीडिंग। ऐसा एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर मतलब जो रीडिंग वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, जितना एक्चुअल करंट दिखाना चाहिए उससे कम दिखाएगा तो उसको कहते हैं नेगेटिव एरर, ज्यादा दिखाएगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज ऑलवेज गिव्स द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज गिव्स ए नेगेटिव एरर ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंस्ट्रूमेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते ये एक नेगेटिव एरर देता है। ठीक है, दैट इज द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल करेंट इन द सर्किट। एक्चुअल करेंट से कम है, ठीक है। अच्छा, तो ये एरर मिनिमम कब होगा? हम तो चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट ले और जिसमें बहुत सारा एरर हो। वी ऑलवेज नीड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिनिमम एरर, जिसमें एरर जितना कम होगा उतना अच्छा है, मेरी है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4। अभी अभी हम लोग देखे कि ये जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के जगह 2 ओम हो जाएगा, सोचो तो, या फिर 9 ओम हो जाएगा या फिर 6 ओम हो जाएगा, चलो 1 ओम के जगह 6 ओम हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 10 बाय 10 हो गया 1 एम्पियर। एक्चुअल करंट था 2.5, अभी दिखा रहा था 2 और इसको 6 के दिया दिखाया 1, एरर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, 2.5 से 1 दूर हो गया। मतलब एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम पसंद करेंगे कि कोई एमिटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो है। अगर ये 1 ओम की जगह 0.001 ओम होता तो शायद रीडिंग ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास होता, नहीं? सो द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज मिनिमाइज्ड बाय हैविंग लो रेजिस्टेंस इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टू मिनिमाइज द एरर माइज द एरर इट इज डिजायर टू हैव लो रेजिस्टेंस इन द इंस्ट्रूमेंट ठीक है, फॉर एन आइडियल एमिटर इंटरनल रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज अस्यूम्ड टू बी 0। कोई आइडियल एमिटर है तो हम कहेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0, मतलब इसमें कोई एरर नहीं देगा, करेक्ट रीडिंग देगा अगर कोई आइडियल एमिटर है। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो जो वन मार्क वाला क्वेश्चन इसमें आते हैं वो ऐसा है कि हाउ एन एमिटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, प्रोड्यूसेस नेगेटिव एरर, मोर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, मोर इज द एरर और लेस इज द एरर, फिर से मोर इज द एरर, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा एरर होगा।
व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज जीरो। ये चार पांच तो हो गया वन मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सपोज ऐसे कि हियर इज ए सर्किट, और जब एमिटर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है तो यू हैव टू अस्यूम टू बी एन आइडियल एमिटर। सपोज ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है ना, पूछा है कि अगर यहां पे मैं एक एमिटर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा इन फिगर शोन, फाइंड रीडिंग इन एमिटर। देखो एमिटर को मैं गलत सलत करके लगाया, लगाना चाहिए किसे सीरीज में, अपनी मर्जी से मैं लगाया हूं, ऐसा एक रैंडम कनेक्शन दिया है। पूछा है बताओ ये जो एमिटर आपको दिख रहा है उसमें रीडिंग क्या है। यस, ये आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो सोचो तो जी ये 15 ओम की इधर से एक जीरो एम्पियर जीरो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहां से कुछ तो करंट आएगा और जो करंट आएगा वो ऐसे ऐसे आएगा आके यहां पर पहुंचेगा, लेकिन इधर से नहीं जाएगा क्योंकि जीरो करंट है, जीरो रेजिस्टेंस से मतलब सारा का सारा करंट इधर से जाने की कोशिश करेगा। दैट मींस देयर बी नो करंट थ्रू दिस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त भी हम लोग पढ़े थे, इफ एन एलिमेंट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस, ऑल द करंट पंप्ड इनटू दैट एलिमेंट विल पास थ्रू दैट शॉर्ट सर्किट नॉट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो सारा करंट इधर से जाएगा और जो एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करता है उसका रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता सर्किट के साथ, यू कैन रिमूव इट। तो ये सर्किट में अगर हमें पूछा गया क्या है रीडिंग, तो हम कहेंगे ये 15 ओम को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। समझ में आ गया। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हियर एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो हम कहेंगे कि देयर इज, क्या लिखेंगे हियर, लिखेंगे एज एज सॉल्यूशन में लिखेंगे एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज जीरो, देयरफॉर There will be no current through 15 ohm resistance. Therefore, as internal resistance of the emitter is zero, therefore there will be no current in 15 ओम। ये 15 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा और हम जानते हैं कि जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको निकाल दो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, अगर यहां पर से आई करंट आ रहा है तो वो सारा का सारा आई करंट इधर से आ रहा है, तो एमिटर क्या रीड कर रहा है, आई एम्पियर ऑफ करंट। क्या लिखेंगे, रीडिंग ऑफ एमिटर, रीडिंग ऑफ एमिटर इज इक्वल टू, रीडिंग ऑफ एमिटर इज इक्वल टू आई, ये जो आई है वो क्या है 10/5, क्योंकि सर्किट में कोई दूसरा रेजिस्टेंस है नहीं, सो इट इज 10/5 इज 2 एम्पियर। क्या ये चीज सबको समझ में आया। चलिए अब इतना फैला के नहीं लिखेंगे, आपको फटाफट बताना है कि ये सर्किट में अगर मैं यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस सपोज आई कनेक्ट एन एमिटर बिटवीन ए एंड बी, ये है 2 ओम, ये 3 ओम, ये है 5 ओम, ये है 20 वोल्ट। इफ एन एमिटर
is connected, emitter is connected between A and B. If an emitter is connected between A and B, तो बताओ क्या होगा रिणी? Connector, yes, 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 is connected between, connected between A and B. What will be reading? वो आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या कहोगे? सीधे सीधे बता सकते हो. जैसे ही आप यहां पे मीटर कनेक्ट करोगे तो ये दोनों तो शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस है. यहां से जो भी करंट आएगा वो ऐसे घूम के आ जाएगा, नहीं यहां से ऐसे घूम के आ जाएगा. तो कितना करंट आएगा इसमें से? तो करंट हो जाएगा जीरो. इसमें करंट हो जाएगा जीरो, इसमें करंट हो जाएगा जीरो. लेकिन जो करंट इधर से आएगा वो सारा इधर से आएगा. एमिटर का रीडिंग क्या होगा? उसके अंदर से जो करंट जा रहा है, उसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? आई. कितना है ये? 20 बाई ये पूरा है, इस टू इक्वल टू 10 एम्पीयर. क्या ये चीज समझ में आया? ठीक. तो कोई आइडियल एमिटर है तो वो सर्किट में है, तो आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. जस्ट अंडरस्टैंड इट एज एन जस्ट ए शॉर्ट सर्किट, मतलब जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. चलिए थोड़ा आखिरी क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारे पास कोई एक सर्किट है ऐसे, और इसमें दिया यूं है कि हियर इज एन, हियर इज ए रेजिस्टेंस, हियर इज अनदर रेजिस्टेंस एंड हियर इज अनदर रेजिस्टेंस. तीन रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए, और करेक्शन क्या दिया है? दिया है कि यहां पर कोई एक एमिटर लगा है, हियर इज एन एमिटर, ये है एक, हियर इज एन एमिटर, ये है दो, ए टू, एंड हियर इज एन एमिटर, ए थ्री. ऐसा करके तीन एमिटर लगाए. ये आपकी पुराना बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये मान लो कि इस एमिटर का नाम है ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ऐसे करके फिर भी दिया है. ये दिया है 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, तीन रेजिस्टेंस है. इधर है से 24 वोल्ट. फाइंड द रीडिंग इन द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स ए वन, ए टू, ए थ्री में आपको रीडिंग चाहिए. यू वांट टू नो द रीडिंग इन ए वन, ए टू, ए थ्री. चलिए देखते हैं. फाइंड रीडिंग इन द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स. ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में रीडिंग बताइए. ए वन में क्या रीडिंग है, टू में क्या रीडिंग है, थ्री में क्या रीडिंग है? ठीक है, कोशिश करिए, यू कैन डू इट. एमिटर में रीडिंग पूछा है. एमिटर में तो रीडिंग वही आता है जो एमिटर के अंदर से पास करता है, वही करंट. मतलब, और एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं. मतलब अगर आपको ए वन, ए टू, ए थ्री पूछा है, इसका मतलब क्या है पहले समझ लो. मतलब ये है कि अगर ये सर्किट में यहां पर करंट, अगर मान लो कि एमिटर है ही नहीं, यहां पर एमिटर है नहीं, और मान लो कि इधर से करंट जा रहा है आई वन, तो ए वन एमिटर क्या रीडिंग देगा? आई वन. यस, वही बात करना है आपको. ए टू एमिटर में क्या रीडिंग देगा? जो यहां से करंट जा रहा है आई टू. ए थ्री क्या देगा? आई थ्री. बस आपको ये तीनों में करंट पता करना है, है ना? इसका मतलब आपको तीनों इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग बताना है, मतलब आई वन, आई टू, आई थ्री बताना है. अच्छा देखो, तो ये जो 10 ओम वाला है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? 24. तो इसमें क्या करंट जाएगा? 20/10, इसमें जाएगा 2 एम्पियर. ये जो 10 ओम है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वही 20 है, तो इसमें भी जाएगा 2 एम्पियर, और ये जो 10 ओम है, इसमें भी जाएगा 2 एम्पियर, है ना? देखो तो आई वन कितना हो गया? 2 एम्पियर. आई टू, ये 2 एम्पियर आया, ये 2 एम्पियर आया, 2 और 2 मिलके इधर बन गया 4 एम्पियर. आई थ्री, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर, तो
सोचो ये टू है ये फोर है तो आई थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स एम्पियर। कितना सिंपल है कि नहीं? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो जो करंट्स है वो क्या है, आई वन आई टू आई थ्री, दे आर टू फोर एंड सिक्स एम्पियर। सॉल्यूशन में कहेंगे I1 is equal to 20 by 10 is 2 ampere. I2 is equal to twice of I1, क्योंकि इधर से I1 है तो इधर से भी I1 होगा, it is 4 ampere. And I3 is equal to thrice of I1 and that is equal to 6 ampere. ये तीन गुना क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी I1 है, ये भी I1 है, ये भी I1 है। क्या सबको समझ में आया? चलिए अब इस जो अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो एंट्रेंस के लिए ठीक है, लेकिन स्कूल में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही वन मार्क वाला क्वेश्चन जो पहले पहले बताया वही आएगा। कोई भी बोर्ड एग्जाम में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप देखोगे फिगर वाला क्वेश्चन को मोस्टली वो लोग थोड़ा परहेज करते हैं, ज़्यादा फिगर वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि उनको शायद बनाने में मुश्किल होता होगा, कुछ होता होगा, ज्यादा फिगर वगैरह रहता नहीं। ठीक है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमिटर। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमिटर इसका मतलब क्या है? रेंज इंप्रूवमेंट किसका? ऑफ एमिटर। ये जो रेंज इंप्रूवमेंट है मतलब क्या है पहले समझ लो। सपोज आपके पास एक एमिटर है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, मतलब अगर आप 5 एम्पियर के अंदर ही करंट दोगे वो आपको रीडिंग दे सकता है। सपोज किसी जगह आप उसको लगा के करंट मेजर करना चाहते हो जहां पर करंट हो सकता है कि 70 से 80 एम्पियर तक कुछ है, तो उतना ज्यादा करंट को अगर उसके अंदर पास करेंगे वो तो उसका कांटी जाएगा 5 एम्पियर पे लटक जाएगा और आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि स्केल अवेलेबल नहीं है, वहीं पर लटक जाएगा, या फिर इतना ज्यादा करंट होने के कारण जल जाएगा क्योंकि उसको बनाया गया 5 एम्पियर के लिए। तो हमें चाहिए कि जो वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो 5 एम्पियर तक मेजर कर रहा था उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि उसका जो रेंज था 5 एम्पियर तक वो रेंज बढ़ के 70-80 एम्पियर तक हो जाए। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, द रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमिटर। मतलब हुआ ये कि अगर हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कॉइल है, तो मैं कॉइल को ऐसे दिखा है, कॉइल में पॉइंटर लगा है, एक स्केल है, और सपोज ये 0 से IM करंट तक मेजर कर सकता है, नहीं? और इसमें हम जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा करंट कैपिटल IM मेजर करना चाहते हैं, हम यहां तक इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं। इसका रेंज क्या है? 0 से IM रेंज बढ़ाना चाहते हैं, कहां तक? अप टू कैपिटल IM। अगर ये कैपिटल IM करंट को इसके अंदर से छोड़ देंगे, ये सारा करंट इसके अंदर से जाएगा, तो हो सकता है कि ये कॉइल उड़ जाएगा, बिकॉज दैट कॉइल इज डिजाइन टू विदस्टैंड, टू टॉलरेट, टू एंड्योर ओनली स्मॉल IM करंट। हम तो कैपिटल IM दे रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे सोचो तो आसान रहेगा। सपोज ये बनाया गया है 5 एम्पियर तक संभालने के लिए और मुझे 90 एम्पियर करंट मेजर करना है, जबरदस्ती इस करंट को इसके अंदर डाल देंगे तो पता चला इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो जाएगा। तो क्या करना है? इसका रेंज 5 एम्पियर तक था, मैं इसको 90 एम्पियर तक बढ़ाना चाहता हूं, मतलब 90 एम्पियर भी छोड़ूंगा तो ये रीडिंग देगा। इसके लिए क्या करते हैं कि व्हेन वी आर गिविंग 90 एम्पियर टू दिस, हम क्या करते हैं सारा करंट को इसके अंदर जाने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं यहां पर एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगाते हैं, एस इज स्टैंडिंग फॉर शंट, इसको शंट कहते हैं, समथिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। ये शंट का वैल्यू ऐसे लगाते हैं कि जब हम 90 एम्पियर करंट भी देंगे ना तो इसके अंदर करंट, जब इधर दे रहे हैं मैक्सिमम करंट 90 एम्पियर, तो यहां करंट कितना है 5 एम्पियर ओनली, यहां पर करंट है 5 एम्पियर, यहां पर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इधर 5 एम्पियर है तो बाकी करंट 90 से 5 इधर गया तो बाकी 85 एम्पियर वो इधर से जाता है, तो ये कॉइल सेफ हो गया। और जहां पर ये 5 एम्पियर दिखाएगा वहां पर लिख देंगे 90। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जब इसमें दिखा रहे हैं 5, यहाँ पे एक नया स्केल फिट कर देंगे और स्केल पे यहाँ पे लिख देंगे 90। समझ में आया क्या? आप लोग मल्टीमीटर देखे होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान वगैरह में, वैसे छोटा सा एक होता है, हाँ, इसमें एक स्केल रहता है, पॉइंटर रहता है, बहुत सारे स्केल रहते हैं, पॉइंटर चलते रहता है, यहाँ पर होल्स रहता है,
अभी घर से निकलोगे तो ऐसा देखोगे, नहीं तो इसमें क्या है, उसमें वो कनेक्शन देता है, कनेक्शन देखे ये पॉइंटर को मूव करवाते हैं। इसमें बहुत सारा स्केल होते हैं, डिपेंडिंग अपन उसको क्या रेंज का रीडिंग चाहिए, समझ में आया? अच्छा तो फिर से शुरू करते हैं टॉपिक को। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें रेंज को इम्प्रूव करना है। कहां से? स्मॉल आईएम से। कहां तक? कैपिटल आईएम तक। अच्छा, तो पहले थोड़ा हम लिखते हैं इसको, फिर आगे आगे जैसे जैसे हम लोग समझे वैसे वैसे करते जाएंगे। और ये वाला एक डिराइवेशन में भी आता है, दोनों ही बोर्ड का 3 मार्क वाला डिराइवेशन में आता है। लेट स्मॉल आईएम इज रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग है स्मॉल आईएम, और कैपिटल आईएम क्या है, इट इज मैक्सिमम करेंट टू बी मेजर्ड आर ए क्या है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कॉइल का रेजिस्टेंस है आर ए। तो रेंज इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, रेंज को हमें स्मॉल आई एम से कैपिटल आई एम तक इंप्रूव करना है। तो बीट नंबर पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल आई एम टू कैपिटल आई एम, वी कनेक्ट, थोड़ा सा वेट करिए और देखिए। यहां पर ने हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, कितना है वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन ये फिगर को देखिए, हमने 90 एम्पियर करंट डाला, इधर से गया 5 एम्पियर, इधर से गया 85 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस है आर ए, एमीटर का रेजिस्टेंस, ये है एस, ये सारा डाटा को देखो और बताओ एस इज मोर देन आर ए और लेस देन आर ए, लेस देन आर ए, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना आर ए के साथ एस, और इसमें जब 5 एम्पियर जा रहा है इसमें 85 एम्पियर जा रहा है, मतलब मेजॉरिटी करंट एस में जा रहा है, सो व्हाट इज दिस एस, एस इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टू इंप्रूव द रेंज हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये जनरल क्वेश्चन है सारा बोर्ड का, तो आप कहेंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समझ में आ रहा है क्या? तो दैट इज व्हाट, थोड़ा इसलिए मैं पॉज ले लिया, क्या लिखेंगे, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे शंट, लो रेजिस्टेंस एस इन पैरेलल विथ एमिटर कॉइल, ठीक है। टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल आई एम टू कैपिटल आई एम, वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द एमिटर कॉइल, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितना लो, क्या वैल्यू का देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एस इज चोजन इन सच ए वे दैट व्हेन कैपिटल आई एम इज अप्लाइड टू द सर्किट only small im passes through the emitter coil, and the rest current capital im minus small im
रेस्ट करेंट कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम, ये जो रेस्ट करेंट है पासेस थ्रू एस, ये एस के थ्रू से जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहां पर कोई एक एमिटर कॉइल है और इसका रेजिस्टेंस आर ए है, हमने इसका रेंज बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट लगाया, लो रेजिस्टेंस शॉर्ट एस इन पैरेलल विद दिस, ऐसा शॉर्ट लगाया कि इवन व्हेन आप मैक्सिमम करंट कैपिटल आई एम यहां पर अप्लाई करो तो यहां पर करंट स्मॉल आई एम होगा, कैपिटल आई एम से कम अप्लाई करोगे स्मॉल आई एम से कम होगा, और यहां पर जो रीडिंग है ये जीरो से स्मॉल आई एम तक है, पॉइंटर इसके ऊपर चलते रहता है। तो हम ऐसा वैल्यू एस का चूज करते हैं ताकि अब मैक्सिमम करंट भी यहां पर अप्लाई कर देंगे तब भी हमारा कॉइल सेफ है। मान लो ये 5 एम्पीयर का उसका रेटिंग है, आप 100 एम्पीयर के लिए डिजाइन कर दियो, अब 100 एम्पीयर देने से अगर संभल गया 90 80 50 कुछ भी दो संभल जाएगा नहीं, सो वी आर नाउ मेकिंग इट फिट फॉर द मैक्सिमम करंट। जब हम मैक्सिमम करंट कैपिटल आई एम देंगे यहां पर स्मॉल आई एम जाएगा और बाकी का करंट क्या आई एम माइनस आई एम इसके अंदर से जाएगा। तो इस सारा डाटा को देखिए, हमें आर ए दिया गया है, स्मॉल आई एम दिया गया है, कैपिटल आई एम दिया गया है, पूछा है क्या एस लगाएंगे, क्या शॉर्ट लगाएंगे कि कैपिटल आई एम अप्लाई करेंगे तब भी इसके अंदर से ओनली स्मॉल आई एम जाएगा। आपको अगर एस का वैल्यू क्या लगाएंगे, दोनों पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, यस यस यस, तो आर ए इज पैरेलल टू एस, इसका मतलब हुआ दोनों में क्या बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मतलब स्मॉल आई एम इंटू आर ए मस्ट बी इक्वल टू इधर का करेंट कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम इंटू एस। हमें पता करना था कि क्या शॉर्ट कनेक्ट करेंगे, तो शॉर्ट यू वांट टू करेक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज स्मॉल आई एम इंटू आर ए बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूले में क्या मजा आता है क्या मालूम, बोर्ड वाले बार बार डालते रहते हैं, इनको कुछ स्पेशल मजा आता है इसमें, ठीक है, ये एक फॉर्मूले को उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली डालते हैं। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट स्मॉल आई एम इंटू आर ए बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम, समझ में आया क्या? जब हम ये शॉर्ट को करेक्ट कर लिए तो हम देखे कि ये जो एमिटर का स्केल ये तो जीरो से स्मॉल आई एम तक है और यहां पर कैपिटल आई एम करंट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको स्केल को मॉडिफाई करना है, यहां पर एक नया स्केल बैठाना है, पुराना स्केल भी रहेगा नया स्केल भी बैठाना है, मतलब शॉर्ट को अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं पुराना स्केल काम कर रहा है, शॉर्ट को करेक्ट कर देंगे तो नया स्केल काम करेगा। सॉल्व को करंट करना डिस्कनेक्ट करने की बात हुआ, मतलब आप यहाँ पे एक स्विच लगा दो, स्विच ऑन किए तो आप शॉर्ट के साथ कनेक्शन करो, स्विच ऑफ कर दो ओनली एमिटर काम कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेंज। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं बताया कि अगर जो नया स्केल बनेगा उसमें भी जीरो यहीं पे ही होगा लेकिन यहां पर होगा कैपिटल आई एम, मतलब इसमें स्मॉल आई एम होने से इसमें कैपिटल आई एम होता है। तो द न्यू स्केल रीडिंग इज How many times the old scale reading? Capital I M by small I M times. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? ये हम लोग दो पॉइंट देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, पॉइंट नंबर 3. With shunt in connection. The new scale reading. Is capital I M by small I M times the old scale. Old scale reading तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या था मैं बढ़िया से लिख देता हूं, स्मॉल आई एम बाई कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम।
और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था ये कि यहाँ पे जो शंट है वो लोअर रेजिस्टेंस है एंड हाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मीटर कॉइल। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्या वोल्ट मीटर, उसमें सारा इसका उल्टा है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए लोअर रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। एमीटर का लोअर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर का सीरीज में लगाते हैं, सब उसका उल्टा है। तो इसलिए दोनों को कॉन्ट्रास्ट में याद रखने के लिए क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि एमीटर के केस में क्या होता है और बाद में हम पढ़ लेंगे वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है। पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम एंड कैन मेजर ए मैक्सिमम करेंट ऑफ 5 एम्पियर, मैक्सिमम करेंट ऑफ 5 एम्पियर। कोई एक एमीटर है मैक्सिमम करेंट 5 एम्पियर मेजर कर सकता है। What modification must be made? To measure any current between 60 एम्पियर टू 80 एम्पियर। 60 एम्पियर से 80 एम्पियर तक कोई एक करंट को मेजर करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? नहीं, विथ दिस मॉडिफिकेशन इफ एमीटर रीड्स 3.5 एम्पियर इन इट्स ओल्ड स्केल, व्हाट इज एक्चुअल करेंट इन सर्किट? सर्किट में एक्चुअल करंट क्या है? क्वेश्चन को आप पहले ढंग से समझ लो। देखो इसमें कोई डरने वाली चीज तो है नहीं, क्वेश्चन लंबा है लेकिन सॉल्यूशन तो वही है जो आप जानते हो। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बता सकते हो इसमें हमें, क्या हमें स्मॉल आईएम का वैल्यू दिया है? कौन सा वैल्यू है? 5 एम्पियर, 60 एम्पियर, 80 एम्पियर, कौन सा है? 5 एम्पियर। इट कैन मेजर अप टू 5 एम्पियर, ये समझ पाना। क्या हमें कैपिटल आईएम का वैल्यू दिया है? कौन सा हुआ? 5, 60, 80। कैपिटल आईएम क्या है? द मैक्सिमम करंट दैट यू वांट टू बी मेजर्ड, 80। 80 एम्पियर तक तैयार रखेंगे इसको। हमें 80 से 60 के, 60 से 80 के बीच में कोई भी करंट को मेजर करना है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार रहना चाहिए 80 एम्पियर के लिए। नहीं तो मैक्सिमम करंट दैट यू वांट टू मेजर इज 80 एम्पियर। क्या आरए हमें दिया है? यस 10 ओम। क्या करना पड़ता है? टू इंप्रूव द रेंज लिखना पड़ेगा। टू इंप्रूव द रेंज वी हैव टू कनेक्ट लोअर रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, लोअर रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल, पैरेलल टू इंप्रूव द रेंज we have to connect a low resistance s in parallel with emitter coil. emitter coil ke sath parallel करके एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे।
इसका वैल्यू क्या है, स्मॉल आई एम इंटू आर ए बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या? मत रखो यार, मेरे को तो कभी याद नहीं रहता है, ये रटने वाली चीज मेरे से बनता नहीं। जैसे मान लो कि ये हुआ कॉल और ये हुआ संट, मुझे फिगर याद है, ये आरे याद है, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से देता हूँ कैपिटल आई एम करेंट, इधर से जाता है स्मॉल आई एम। बाकी की चीज अगर आपको निकालना आता है तो आप कर सकते हो। Now you say small I am into R is equal to capital M minus small I am into S, और वहाँ से S का फॉर्मूला निकल गया। सारा वैल्यू डालिए, it is 5 ampere, 10 ohm, 80 minus 5, it is coming down out to be 65, so it is 50 by 65, कितना आ रहा है? 10 by 13, 75, हाँ 75, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। वो हम जिस टीचर के पास जाते थे पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, बहुत अच्छा पढ़ाते थे लेकिन हम ही नहीं पढ़ते थे। It is 50 by 75. तो कितना हो गया भाई? 2/3. So it is 2/3 ohms. मेरे को पढ़ाने वाले मैथमेटिक्स टीचर मेरे बगल में अभी भी रहते हैं, एंड आई ऑल्सो समटाइम्स विजिट हिम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2/3 ओम का रेजिस्टेंस को हमें पैरेलली कनेक्ट कर लेना चाहिए। ऐसा रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल लगा देंगे, बोला है कि ऐसा एक रेजिस्टेंस लगे हुए, बोला है कि विद दिस मॉडिफिकेशन इफ 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 एमिटर, इफ एमिटर रीड्स कितना 3.5 एम्पीयर इन इट्स ओल्ड स्केल, ओल्ड स्केल में 3.5 एम्पीयर होगा, देन व्हाट इज द एक्चुअल करंट, ऐसे पूछा। आप जानते हो कि न्यू स्केल वैल्यू, यस, न्यू स्केल वैल्यू इज कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम टाइम्स ओल्ड स्केल। बोला है कि ये हम मॉडिफाई तो कर दिए, स्केल नहीं बदले थे, स्केल जो था वही रह गया पहला वाला स्केल। ओल्ड स्केल में क्या था वैल्यू, दिया 3.5 एम्पियर, जबकि करंट 3.5 एम्पियर दिखा रहा है, तो एक्चुअल करंट कितना हो जाएगा, इट इज कैपिटल आई एम मतलब 80 बाय स्मॉल आई एम दैट इज 5 इंटू ओल्ड स्केल वैल्यू 3.5, कितना हो गया 16 इंटू दिस 48 प्लस 8 इज 56 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आया? द न्यू स्केल वैल्यूज मस्ट बी कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम टाइम्स द ओल्ड स्केल वैल्यूज, ठीक है। और ये कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम कैसे हुआ, वो तो समझाया हम, जब यहाँ पर स्मॉल आई एम है वहां पर कैपिटल आई एम है, यहाँ पर 1 है वहां पर कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम है, यहाँ पर 3.5 है तो 3.5 इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, यूनिटरी मेथड से ही कर दिए हैं। समझ में आया? ठीक है, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। एन एमीटर an emitter of a resistance pipe ohm can read a maximum current of 1 ampere to improve the range up to 10 ampere, what shunt must be connected? करो, कितना सिंपल है, ये रीड कर सकता है कितना, अप टू 1 एम्पियर, मतलब स्मॉल आई एम इज 1 एम्पियर।
रेंज को कहां तक इंप्रूव करना है, 10 एम्पियर तक, मतलब कैपिटल आई एम इज 10 एम्पियर, आर ए इज 5 ओम्स, पूछा है एस, एस तो सबको मालूम है नहीं, एस क्या है, एस इज स्मॉल आई एम इनटू आर ए बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल आई एम, स्मॉल आई एम हो गया 1, आर ए हो गया 5, तो 1 इनटू 5 बाय 9 ओम। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा लेते हैं। एन एमीटर ऑफ 2 ओम कैन मेजर ए मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इफ ए शंट ऑफ 0.1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, फाइंड व्हाट मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर। समझ में आया, यहां पर आरए दिया हुआ है आपको, इट इज 2 ओम, स्मॉल आईएम दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर, कैपिटल आईएम पूछा है नहीं, यस, और शंट दिया हुआ है, शंट कितना लगाया, 0.1 ओम का शंट लगा दिया। क्या यहां से हम कैपिटल आईएम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि एस इज पैरेलल टू आर ए और स्मॉल आई एम इंटू आर ए इज इक्वल टू कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम इंटू एस, इसमें से कैपिटल आई एम का वैल्यू निकालना है, ये है 2 ओम, ये है 0.1, 0.1 मतलब कितना टाइम से, ये इसमें अगर 20 मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0.5 जाता है तो इसमें जाएगा 10.5 एम्पियर हो गया आंसर। सो सॉल्विंग 10.5 एम्पियर हुआ, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज वोल्ट मीटर, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, ये पहला स्टेटमेंट ही एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करके देगा, क्या लिखेंगे, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और आप अगर डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ऊपर का अगर ढक्कन निकाल देंगे तो वोल्ट मीटर और एमीटर देख के पहचानना नामुमकिन है, मतलब बड़ा मुश्किल है जी, वो बहुत एक्सपीरियंस होगा, वायर का थिकनेस देख के पता कर सकता है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं। इस केस में भी ऐसा ही एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है और उस साउथ नॉर्थ पोल के बीच में ये कॉइल ऐसे झूलता रहता है, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बाय ए टॉर्सन थ्रेड, टॉर्सन थ्रेड का मतलब वो थ्रेड जिसको ऐसे मोड़ के छोड़ दोगे तो फिर से सीधा हो जाएगा, ठीक है, टॉर्सन थ्रेड उसको कहते हैं, मतलब ये रोटेट करेगा जब तक करंट जा रहा है, करंट जाना बंद हो गया फिर से वापस आ जाएगा, उसको टॉर्सन थ्रेड कहते हैं। हाँ,
तो यहाँ पर भी वही पॉइंटर रहता है, यहाँ पर भी ऐसे स्केल रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसको इसके क्रॉस में अप्लाई करो। जब वोल्टेज अप्लाई करोगे कुछ करंट जाएगा, दैट करंट इज वी बाय, इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से कुछ करंट जाएगा, और जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा टॉर्क, जितनी ज्यादा टॉर्क उतनी ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन एंड उतनी ज्यादा रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। तो वर्किंग प्रिंसिपल्स आर सेम, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास ये वोल्ट मीटर है जिसको यूज करके मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूँ दो पॉइंट में, कब मेजर करेंगे? जब मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है तो हर वक्त मेजर करना पड़ता है? नहीं, कभी कभार कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर सही जगह कोचिंग नहीं लिए होंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज द वोल्ट मीटर। सपोज हम कहेंगे कि एक 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर मान लो कि कोई एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम का है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। मुझे पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो हम में से कौन कौन कैलकुलेट करने वाले हैं, कौन कौन वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं, चलो सोचते हैं। क्या कैलकुलेट करके बता सकते हैं व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? क्या है जोर से बोलो, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जाएगा तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम? 3 ओम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा भैया? 6 वोल्ट। हमें तो आता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस को वो लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में अप्लाई करेंगे, है ना? That means how this instrument is connected in series or in parallel with the circuit? Series हुआ। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको इसके साथ ऐसे लगा दिए तो सीरीज हुआ कि पैरेलल हुआ? पैरेलल हुआ, है ना? तो हम कहेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एमिटर को कैसे लगाते थे? सीरीज में लगाते थे। इसको कैसे लगा रहे हैं? पैरेलल लगा रहे हैं। तो लिखेंगे दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट। इसको हरदम पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो मैं थोड़ा इसको छोटा बना देता हूं। यस, अब ये हो गया सर्किट जिसमें वोल्टमीटर पैरेलल ही लगा है। चलिए वोल्ट मीटर भी तो अपना एक कॉइल रखता है, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। चलो चलो मानते हैं कि कॉइल का रेजिस्टेंस है 6 ओम। सपोज नाउ दिस इज 6 ओम इज इन पैरेलल विद 3 ओम। बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? जब ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं हुआ था तो ये 2 + 3 5 ओम था, 10/5 2 एम्पियर करंट जाता था, 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट, 2 एम्पियर इंटू 3 6 वोल्ट था। लेकिन जैसे मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया ये 6 ओम भी एक्शन में आ गया। अब 3 और 6 दोनों पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। 3 एंड 6 पैरेलल में कितना होता है? 3 × 6/3 + 6 = 2, ये हो गया 2। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, जो भी करंट इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, मतलब इसमें जितना ड्रॉप होगा इसमें भी उतना ही ड्रॉप होगा। तो ये 2 है और ये पूरा वाला 2 है, तो इसमें होगा 5 वोल्ट, इसमें होगा 5 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट अप्लाई किए। वैसे क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जब 2 था ये 3 था, इसमें 6 वोल्ट होता था, इसको लगाने के बाद ये भी बन गया 2, ये भी मतलब कौन, ये रेजिस्टेंस है अभी 2, ये 2 है, ये 2 है, दो तो 2 ओम सीरीज में लगे हैं, 10 वोल्ट लगाए तो इसमें होगा 5 वोल्ट, इसमें भी होगा 5 वोल्ट, जबकि इसमें था कितना? 6 वोल्ट। मेजर करने के लिए कनेक्ट किया और पता चला क्या रीडिंग दे रहा है ये? 5 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव एरर दे रहा है कि नेगेटिव एरर दे रहा है? एक्चुअल वैल्यू से कम दे रहा है रीडिंग, देना चाहिए 6, दे रहा है 5। यस, इसमें एरर है। क्या लिखेंगे? द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज गिव्स नेगेटिव एरर, मतलब दैट इज रीडिंग वैल्यू इज
लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कम देता है, ठीक है ना? ठीक है, मैं यही सर्किट को दोबारा दूसरा पेज में लेना चाहता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें एरर आया क्योंकि रेजिस्टेंस बन गया 2, 3 और 6 पैरेलल में थे, 3 और 6 पैरेलल में होता है 2, सोचो तो ये अगर 6 होने की बजाय होता 60,000 और उसके साथ 3 में है, 3 है पैरेलल में, इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? 6 और 3 होने से 2 होता है, 60,000 और 3 होंगे तो सोचो 60,000 इंटू 3 बाय 60,000 प्लस 3, अब 60,000 प्लस 3 को आप ऑलमोस्ट 60,000 बोल सकते हो, ये ऑलमोस्ट 60,000 हुआ तो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या मिला 3। अगर मान लो 6 लाख होता 6 × 10^5 ओम्स तो 6 × 10^5 प्लस 3 सेम है 6 × 10^5, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 3। मतलब ये रेजिस्टेंस बदल जा रहा है बोल के सब गड़बड़ हो रहा है, तो एरर कम होने के लिए एमिटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटा होना पड़ता था, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होना है, बड़ा होना है, जितना बड़ा होगा उतना कम एरर होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे टू मिनिमाइज द एरर, द एरर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी हाई, एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी हाई, वेरी हाई फॉर आइडियल वोल्ट मीटर्स, आइडियल वोल्ट मीटर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज अस्यूम्ड टू बी, इज अस्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट। आइडियल एमिटर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, जीरो, आइडियल वोल्टमीटर में इनफाइनाइट। अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस हो गया, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो सोचो मेरे भाई क्या बता सकते हो, यहां से कुछ करंट आएगा, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, व्हाट इज द करंट हियर, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं है, अगर जीरो हो जाएगा तो कॉइल घूमेगा कैसे, मतलब इतना कम है, इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो करंट थ्रू आइडियल वोल्ट मीटर is assumed to be zero, ideal voltmeter ke case mein the internal resistance should be zero, the current through the voltmeter should be zero, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर किसी एक सर्किट में अगर हम कहेंगे कि एमिटर है, तो इसको आप इक्विवेलेंटली ऐसे कह देते थे, एमिटर को भगाओ, जीरो रेजिस्टेंस से जोड़ दो, लेकिन अगर कोई एक वोल्टमीटर है तो आप इसको कैसे करोगे, सिंपली डिस्कनेक्ट, सोचो कि कनेक्शन है ही नहीं, सोचो कि वहां पर कोई कनेक्शन है नहीं, एमिटर के केस में क्या करते थे, जोड़ देते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे, अब इसको ओपन कर देना है यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है?
कीपिंग दिस इन माइंड एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, ये वाला, ये है कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर, क्या ये फिगर में आप बता सकते हो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है या एमीटर की रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, यू हैव टू अस्यूम देम टू बी आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स, आइडियल वोल्ट मीटर एमीटर। फाइंड रीडिंग इन वोल्ट मीटर, ऐसा दिया है कुछ 2 ओम 3 ओम और एक वोल्ट मीटर लगा, बताओ रीडिंग क्या है। आपको समझ में आया कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। अगर वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये सर्किट क्या दिखेगा आपको इक्विवेलेंटली, ये दिखेगा ये। और ये वोल्ट मीटर बाय द वे क्या रीडिंग देने वाला है, ये तो रीडिंग वही देगा जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम इक्विवेलेंटली इसको ड्रॉ करेंगे तो हम इसको खुला कर लेंगे, मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। हाउ यू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, भाई ये ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब खुला कर दो कोई करंट नहीं जाएगा। अब आप कहोगे सॉल्यूशन में वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, वी माइनस बी बी तो जाओ बी टू ए, कोई करंट नहीं जा रहा है भैया, कितना हुआ बी टू ए जाओ तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 वोल्ट, है कि नहीं, जाओ ऐसे इट्स कमिंग आउट टू बी 10 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है वही रीडिंग दिखाए, क्या बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, थ्री ओम 5 ओम 2 ओम 20 वोल्ट और लगा है वोल्ट मीटर, फाइन रीडिंग इन वोल्ट मीटर, बताओ वोल्ट मीटर में रीडिंग बताने का मतलब क्या है, टू नो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको वी ए माइनस बी बी निकालना है। और वोल्ट मीटर में क्या करंट जाता है, व्हाट इज द करंट हियर, जीरो, मतलब इधर से आई करंट आया तो इधर जीरो गया तो इधर आई ही आएगा और ऐसे करके जाएगा, है ना। हियर करंट इन वोल्ट मीटर इज जीरो, सो आई का वैल्यू कितना होगा भाई, देखो 2 3 5 सब में बराबर करंट जा रहा है, तो क्या कहेंगे कितना होगा आई का वैल्यू, 2 एम्पियर। बढ़िया आप लोग बढ़िया बोलो, क्या कि यहाँ पर 20 वोल्ट है, और आप समझ सकते हो इसे भी कि ये वोल्ट मीटर होना ना होना बराबर चीज है, क्योंकि ये तो ओपन हो जाता है नहीं, तो 2 3 5 सब सीरीज में, तो आप कहोगे कि इसमें जो आपका आई का वैल्यू होगा वो 20/2 + 3 + 5 इज 2 एम्पियर, आई हो गया 2 एम्पियर, आई 2 एम्पियर हो गया। तो ठीक है वोल्ट मीटर रीडिंग, इज वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी क्या है, बी टू ए जाओ, किधर से भी जाओ, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से चलते हैं, लेट मी फॉलो ए पाथ लाइक दिस, ठीक है ऐसा करके जाते हैं, गेन की 5i, गेन की 3i और वापस आ गए, इट इज कमिंग आउट टू बी 5i + 3i इज 8i इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, 16 वोल्ट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट
ये एक सर्किट में यहाँ पर दिया है रेजिस्टेंस 200 ओम और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 300 ओम और यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया गया है 10 वोल्ट और यहाँ पर दो टर्मिनल दिया गया है। इन फिगर सुन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 300 ओम। इफ ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 600 ओम इज कनेक्टेड वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस 600 ओम दिया हुआ है इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, ये ए है ये बी है, फाइंड व्हाट विल बी रीडिंग इन वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगा, पहले पूछा है कि बताओ 300 ओम में क्या रीडिंग है, 300 ओम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर पूछा है कि एबी में अगर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे तो उसमें रीडिंग क्या दिखाएगा। सॉल्यूशन बीट नंबर वन, तो जब सिर्फ 200 और 300 है, कोई वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है, ऐसी हाल में ये 200 है ये 300 है, हमें इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप कहोगे करंट हो जाएगा 10/200+300 दैट इज 10/500। अगर ये हो गया करंट, देन पीडी अक्रॉस 300 क्या हो जाएगा, पीडी अक्रॉस 300 ओम विल बी इक्वल टू, यहां से आई जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये करंट जा रहा है आई और ये 300, सो इट इज 300 इनटू आई, आई का वैल्यू क्या है 10/500, 10/500 कितना होता है, ये 10/500 इज 1/50, 1/50 हो गया तो हो गया 6 वोल्ट, तो 300 ओम में क्या वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 300 ओम, हां इट इज 6 वोल्ट, बोला ठीक है आपको मालूम है। अब बताओ यहां पे अगर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 600 ओम, तो अब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, क्या वोल्ट मीटर 6 वोल्ट देगा, नहीं एरर देगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, क्या ये आइडियल वोल्ट मीटर है, नहीं है, नहीं तो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होता, अभी तो दिया है 600 ओम, तो ये एरर देगा, मतलब जो रीडिंग देगा वोल्ट मीटर वो 6 से ज्यादा देगा कि 6 से कम देगा, नेगेटिव एरर देता है तो 6 से कम देगा, कितना देगा ये है क्वेश्चन, समझ में आया। लेट अस कनेक्ट द वोल्ट मीटर नाउ, नाउ वी गो बैक टू आवर सर्किट और देखते हैं कि यहाँ पर 200 ओम का रेजिस्टेंस है, 300 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस में हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखा था और ये जो 200 ओम है, ये जो 300 ओम है, इसके क्रॉस में हमने लगाया एक वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 600 ओम, मुझे आप बताओ रीडिंग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा रीडिंग, क्या होगा रीडिंग, क्या आप देख रहे हो कि ये 600 और 300 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 200, अरे 6 और 3 पैरेलल में कितना होता है 2, 600 और 300 पैरेलल में कितना होगा 200, ये अगर 200 हुआ, ये अगर 200 हुआ, हमने लगाया 10 वोल्ट, इसमें कितना वोल्ट, इसमें कितना वोल्ट होगा 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट, इसमें है ना, इसमें 5 वोल्ट होगा, इसमें 5 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा 5 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही दिखाएगा 5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आया। बीट नंबर 2 में, तो अगर इस पॉइंट को हम ए और इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, आर ए बी हो गया कितना
आर एवी इज 600 इन पार्लर विथ 300 इज इक्वल टू 200 ओम। ये कैसे हुआ सबको मालूम है नहीं? सो ये जो सर्किट है इसकी जगह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो 200 ओम है, ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस 200 ओम है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे 200 ओम। अब ये 200, ये 200। सो पीडी अक्रॉस इच 200 ओम इज 10/2 इज 5 वोल्ट। वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट, जबकि एक्चुअली क्या था 6 वोल्ट। वोल्ट मीटर लगाया तो रीडिंग क्या दे रहा है 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो वोल्ट मीटर लगा के ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी दिन पहले एक बार सीबीएसई वालों का आया था, ठीक है ना। आजकल नहीं आ रहा है, आजकल तो क्वेश्चन भी इजी होने लगे। तो ऐसे करके वोल्ट मीटर लगाओ और पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करो किसी भी सर्किट में। समझ में? ठीक। नाउ लेट अस सी रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। सो चलो मानते हैं कि स्मॉल वीएम इज रेटिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कैपिटल वीएम इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करना चाहते हैं वो कैपिटल वीएम है ना, और स्मॉल वीएम क्या है, रेटिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। चलो आर वी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। हमारे पास कोई एक वोल्ट मीटर है जो कि 0 से स्मॉल वीएम तक का मेजर कर सकता है, लेकिन हम इसके अक्रॉस में कैपिटल वीएम तक का वोल्टेज अप्लाई करना चाहते हैं, तो होगा क्या? इतना वोल्टेज लगा देंगे तो उड़ जाएगा नहीं? तो हम चाहते हैं कि ये जो कैपिटल वीएम वोल्टेज है इसको अप्लाई करें, तब भी इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट शुड नॉट गो बियॉन्ड स्मॉल वीएम। स्मॉल वीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये 100 वोल्ट तक मेजर करना कर सकता है, इसमें रेटिंग दिया है 100 वोल्ट। हम 1000 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, 1000 वोल्ट लगा देंगे तो इसका तो उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो हम कुछ करना चाहते हैं कि 1000 वोल्ट भी लगाएंगे तो यहाँ पर 100 वोल्ट ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो बाकी 900 वोल्ट कहाँ जाएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर ऐसा एक रेजिस्टेंस यूज किए कि हम 1000 वोल्ट दिए भी तो यहाँ पर 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो बताओ इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 900 वोल्ट। अब दोनों सीरीज में होने के कारण दोनों में करंट बराबर है, इसमें हो रहा है 100 वोल्ट, इसमें हो रहा है 900 वोल्ट, तो कौन रेजिस्टेंस ज्यादा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस मतलब वी आर कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। एमीटर के केस में क्या होता था, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये देखना है तो क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव द रेंज, ये वाला डेरिवेशन कभी नहीं आता है तो आपको आंसर याद रखना है। एमिटर वाला डेरिवेशन आता है डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर शंट करके, तो लिख देते हैं, किसी का कोई दिमाग फिर गया होगा, किसी का तो डाल सकता है, तो हम लोग लिख लेते हैं और अल्टीमेट जो फॉर्मूला आएगा उसको याद रखना है। टू इंप्रूव रेंज फ्रॉम स्मॉल वीएम टू कैपिटल वीएम वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस आर एस ई उसका नाम है इन सीरीज विथ वोल्ट मीटर।
हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। कितना हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितना लगाएंगे देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू ऑफ आर एस ई चूजन इन सच ए वे दैट व्हेन कैपिटल वी एम इज अप्लाइड only small vm drops across voltmeter coil में आपको only small vm drop होगा, मतलब बाकी का वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा। कितना वोल्टेज कैपिटल vm माइनस स्मॉल vm यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि आपका आर वी वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस और जो सीरीज रेजिस्टेंस देयर इन सीरीज, आर वी इज इन सीरीज विथ आर एस ई, मतलब दोनों में क्या बराबर होगा, सीरीज में है तो करंट बराबर होगा, ठीक है, करंट बराबर होगा। तो हम कहेंगे वी एम बाय आर वी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल वी एम माइनस स्मॉल वी एम बाय आर ए सी। यहां से सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया, क्या है, कैपिटल वी एम माइनस स्मॉल वी एम बाय स्मॉल वी एम इंटू आर वी। इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कैसे, इन सीरीज। सीधे सीधे फॉर्मूला को याद रखिए क्योंकि डेरिवेशन बहुत रेयरली आता है, मैं तो देखा नहीं कभी आता हुआ, एमिटर वाला आता है, बट रूल्स आर सेम, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। तो बनाने के लिए हम लोग ना एमिटर बनाते हैं ना वोल्ट मीटर बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर, जो कि छोटा सा करंट को भी मेजर कर सकता है। उसको अगर एमिटर बनाना है यू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसको अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। समझ में आ गया, एक गैल्वेनोमीटर बना लो जो कि छोटा सा करंट को भी मेजर कर सकता है और उसका रेटिंग भी काफी कम होता है, से 0 to 1 mA। अब उसका रेटिंग बढ़ाना चाहते हो कनेक्टेड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये एमिटर जैसे काम करने लगेगा, और इसको अगर वोल्टमीटर जैसे करना चाहते हो कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस। समझ में आया क्या, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म तो बराबर है, सेम कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। तो अगर मैं आपको पूछूं ऐसे हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू एन एमिटर, आप क्या कहोगे, बाई कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड कन्वर्टेड इन टू ए वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाउ एन एमिटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज और इन पैरेलल, सीरीज। हाउ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन टू द सर्किट इन पैरेलल। फॉर एन आइडियल एमिटर व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट, है ना। तो ये दोनों में ये जो चीजें पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कभी कभार सीबीएसई वालों का ऐसे आता है, ड्रॉ ए लेबोरेटरी सर्किट यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर टू मेजर ए अननोन, मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस बस सर्किट ड्रॉ करने के लिए आता है। और बताओ उसमें से कैसे पता करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। थ्योरी क्या लेंगे, बाय ओम्स लॉ, कोई अननोन रेजिस्टेंस की क्रॉस में अगर हमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और उसके थ्रू से जाता हुआ करंट मालूम है तो हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, बाय ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाय आई।
ये कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए चलिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। कोई एक अननोन रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टमीटर एमीटर दिया गया, बताओ मेजर करके। तो टेक द अननोन रेजिस्टेंस, आप इसके अक्रॉस में कोई एक वोल्टेज लगा दो, कितना भी वोल्टेज लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी तरह से पता कर सकते हो कि क्या करंट जा रहा है और क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी भाई आई इज रेजिस्टेंस। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है जानने के लिए वी हैव टू कनेक्ट ए वोल्टमीटर। क्या करंट जा रहा है जानने के लिए वी हैव टू कनेक्ट एन एमीटर। नहीं तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी वोल्टमीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग। ये बैटरी कितना वोल्ट का है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। सो आर इज इक्वल टू वोल्टमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय एमीटर रीडिंग। क्या मेरी बात समझ में आया? कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टमीटर एमीटर दिया गया, तो कहीं से एक पावर दे दो, सप्लाई दे दो, कितना वोल्ट का जानने की जरूरत नहीं है। वी का रीडिंग ले लो, आई का रीडिंग ले लो, वी बाय आई हो गया रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं वोल्टमीटर एमीटर कनेक्शन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वोल्टमीटर पे आता है। कैन यू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी यूजिंग वोल्टमीटर? क्या वोल्टमीटर यूज करके किसी बैटरी का ईएमएफ मेजर कर सकते हो? ईएमएफ क्या था? इट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। कोई बैटरी का दोनों टर्मिनल खुला पड़ा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बैटरी है और इसमें ईएमएफ कितना है जानने के लिए हमें ऐसा एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो वोल्टमीटर लगाएंगे तो रीडिंग क्या देगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन सोचो, हम कहते हैं कि इसका अंदर जाता हुआ करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। क्योंकि जीरो करंट जाएगा तो कॉइल क्यों घूमेगा? मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल घूम रहा है क्योंकि करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ना कुछ तो करंट जा रहा होगा, छोटा सा करंट जा रहा होगा। अगर छोटा सा करंट जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलने वाला है वो E होगा कि E माइनस आई आर होगा? E माइनस आई आर होगा, है ही नहीं? ये कभी E को दे सकता है क्या? नहीं। थोड़ा सा भी करंट आएगा तो आप कहोगे जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर होगा। सो आप कहोगे E तो नहीं मिलने वाला, नहीं? आप कहोगे I जीरो। अरे I जीरो होगा तो कॉइल घूमेगा क्यों? इतना छोटा करंट होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन होता तो छोटा सा करंट। छोटा सा करंट होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर होगा। तो बैटरी का ईएमएफ नापने के लिए आप वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते। तो आंसर हुआ नो, बिकॉज ऑफ द माइल्ड करेंट ड्रॉन बाय वोल्टमीटर द रीडिंग बिकम्स वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यूजिंग ए वोल्टमीटर हम ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कर लेंगे, ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। तो किसी एक बैटरी का ईएमएफ को कैसे मेजर करेंगे, ये भी चिंता की बात हो गया। कोई बैटरी हमें मिल गया और इसका ईएमएफ कितना है पता करो, क्योंकि ई और आर दोनों अननोन वैल्यूज होते हैं, नहीं? तो ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए आता है तीसरा इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और सीबीएसई वालों का और आईएससी वालों का तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर सर्किट करो और उसके कुछ मेजरमेंट करो। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शैल सी इट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर, वी शैल सी नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक ले जय हिंद।